Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. भैया हमें देखिए आयोजन तो आपने देख लिया, आपने सब चल के देखा, ये सब राम भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, सनातन धर्म के अनुयायी, ये सब चाहते हैं कि अब सारी बातों को दरकिनार करके सिर्फ एक मार्ग भी समय हम लोगों के है कि सरकार अध्यादेश लाए, सभी पार्टियां उसका समर्थन करें, अध्यादेश पास करके राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें और अयोध्या में राम मंदिर बने, उसके लिए शांतिप्रद तरीके से हम लोगों ने शांति यात्रा निकाली। आप मुझे बताएंगे आज रैली में कौन कौन सी पार्टियां शामिल थी? मैं देखो पार्टियों के नाम से मैं पूछ जा रहे हैं कि 5-7 पार्टियां हमारे साथ, पर मैं इतना ही कहूंगा किसी पार्टी का मैं नाम नहीं लूंगा। जिन लोगों ने यहाँ आके सपोर्ट किया है वो मेरे दिल में है, मुझे पता है, और जो मेरे दिल में है उनका साथ में आने वाले समय में निश्चित तौर पर दूंगा। आपको मुझे इतने सफल आयोजन के बारे में जिस हिसाब से ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे आयोजन देखा, ये काफी हद तक मुझे लग रहा है सफल था। अब आपकी नजर में ये सफल है कि असफल? ये सफल है सर, आप सफल है कि सुपर सफल है ये आप बताइए। आप सर सुपर सफल है, आप लोगों के हिसाब से क्या है? सुपर सफल है सर, सुपर सफल है ना। असल में क्या है कि जब लोग अपने विषय में कोई कार्य करते हैं तो वो असफल और सफल हो सकते हैं, लेकिन ये भगवान का काम है, निश्चित तौर पर सुपर सफल ही होने वाला है, क्योंकि इसमें कोई पर्सनल कुछ स्वार्थ नहीं है, सुपर सफल ही है। इस रैली में ज्यादातर महिलाएं थी, इसके बारे में आपको बताएंगे? क्योंकि महिलाएं 90% धर्म करती और पुरुष भी कम नहीं थे, ऐसा मत करो, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से बच्चे लोग में राम मंदिर को लेकर इतने उत्साह है। आपका नाम बताइए। विनायक शर्मा जी, आप यहाँ पे क्यों आए बताए? क्योंकि राम मंदिर नहीं बन रहा है अयोध्या में, उसको उन लोग को बोलने की राम मंदिर बना। आप ये उसको बताना चाहते हैं कौन बना है? सरकार को। आपका नाम? मानसी सिंह। तो आप क्या यहाँ पे क्या मांग है आपकी? हम लोग को राम मंदिर बना के दो। ये राम मंदिर कहाँ बनाने आप? अयोध्या में। आप एक बार जयकारा लगाइए। जय श्री राम, जय।